हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसबीआई बैंक भूखों भगत सिंह के देर रात अज्ञात चोरों ने शाखा के तोड़े ताले, चोर सिक्कों की नकदी लेकर हुए फरार। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिंदरी पुलिस थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक भूखों भगत सिंह में शनिवार को देर रात अज्ञात चोरों ने शाखा के तोड़े ताले, चोर 25,408 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर सिंदरी पुलिस पहुंची मौके पर। चोरों के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। कैश अधिकारी ने सिंदरी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा करवाया दर्ज। देर रात हुए घटना का सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हुए। उनके दौरान तीन अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों के मुंह ढके हुए थे व हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। तीनों ने मिलकर मेन गेट का ताला तोड़कर उसके बाद लगे गेट का कुंडा तोड़कर चोरी की नीयत से अवैध रूप से प्रवेश कर एटीएम में रुपए निकालने के नीयत से एटीएम की तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन एटीएम से रुपए नहीं निकले तब बैंक की मुख्य सेफ को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटा। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। उसके बाद स्ट्रांग रूम का चैनल गेट भी तोड़ा व साइड में रखे बक्से में से 10 रुपए के 2,364 सिक्के, 5 रुपए के 296 सिक्के, 1 रुपए के 288 सिक्के, जिसका कुल योग 25,408 रुपए चोरी कर ले गए। साथ ही कैश रूम की सेफ को भी नुकसान पहुंचाया, परंतु पैसे ले जाने में असफल रहे। उक्त चोरी की सूचना बैंक के पास स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की ANM द्वारा फोन से बैंक अधिकारियों को सूचना देने पर बैंक अधिकारी ने पुलिस को सूचित किया व पुलिस की मौजूदगी में बैंक कर्मचारियों ने बैंक में प्रवेश कर सार संभाल करने पर व सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर उक्त चोरों द्वारा अनाधिक रूप से प्रवेश करने, बैंक की संपत्ति को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने व सिक्के चोरी होने का ज्ञान होने पर चोरों के खिलाफ सिंदरी पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।